ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा सपा सरकार में दूध को तरसते थे बच्चे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम छोटे बड़े सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दल अभी से अपने वोटरों को साधने में भी लगे हैं। इस बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। एक निजी चैनल इंडिया टीवी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, बच्चे दूध के लिए तरसते थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आज दंगे नहीं हो रहे हैं और न ही कर्फ्यू लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस पर मुस्लिमों का विकास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आजादी के बाद नौकरियों में मुस्लिमों की तादाद 38% थी। उन्होंने ये भी कहा कि इतना विकास किया सपा बसपा और कांग्रेस ने कि आज मुस्लिम नौकरियों में 1% नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी 9% यादवों का, 20% वोट मुसलमान का लेती है, लेकिन अब मुस्लिमों ने भी सपा और कांग्रेस की सरकारों को देख और समझ लिया है। आपको बता दें, हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की थी। राजभर के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वो योगी मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार में बतौर काबिना मंत्री शपथ ले सकते हैं। सुबह सपा यूपी में अपने सिंबल पर कम से कम 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। पार्टी का कहना है, वो सपा को इस चुनाव में जीतने नहीं देगी।